हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जो भक्तों के दिल को छू जाते हैं। प्रत्येक युग में भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, किंतु चार युग में ऐसा एक ही बार होता है जब पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ इस धरती पर उतर आते हैं और द्वारका, मथुरा, वृंदावन जैसे धाम में वो लीलाएं रचते हैं कि उनके भक्तों के हृदय में वे सदैव के लिए ही निवास करते हैं। यूं तो कहते हैं कि द्वारका और मथुरा में भी वृंदावन की तरह ही साख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव ये सभी मौजूद है, किंतु फिर भी वसुदेव और देवकी अपने पुत्र कृष्ण से प्रेम तो बड़ा करते हैं, किंतु वे उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। उद्धव जैसा मित्र और भाई ग्वाल बाल की तरह भगवान के साथ खेल नहीं पाता है। यहाँ तक कि सारी पटरानियाँ श्री कृष्ण के वश में हैं, किंतु वे सारी उनकी सुंदरता, उनके ऐश्वर्य और उनके भगवान रूपी स्वरूप से प्रेम करती है, जबकि वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में भगवान सभी भक्तों के वश में रहते हैं। जब माता यशोदा अपने कन्हैया को बांध देती है तो भगवान ऐसी लीलाओं में बड़ा ही आनंद लेते हैं। सारे ग्वाल बाल अपने कन्हैया के साथ कुश्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और ये भी कह देते हैं कि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ। यहाँ तक कि गोपियों और राधा रानी के वश में भगवान रहते हैं। इसीलिए ही द्वारका में जब भी वृंदावन और गोपियों की बात आती तो भगवान इतने भावुक हो जाते कि बस कभी तो रो देते थे। सारी पटरानियाँ आपस में ये बातें करती कि हम भी तो भगवान की भक्त है, हम भी प्रेम उनसे इतना ही करती है, फिर द्वारकाधीश वृंदावन का नाम आते ही इतना भावुक क्यों हो जाते हैं। तो एक बार यूं हुआ कि द्वारिकाधीश के पेट में बड़ा ही दर्द होने लगा। सारी पटरानियाँ यहाँ से वहाँ दौड़ रही है, कोई औषधि लेकर आ रही है तो कोई पंखा डाल रही है, यहाँ तक कि वैद्य जी को भी बुलाना पड़ा। अब भगवान तो वैद्य जी से ये कहते हैं कि वैद्य जी, अगर आपकी दवाई के साथ मुझे मेरे भक्त की चरणों की धूल प्राप्त हो जाए और वो भी कोई ऐसा भक्त जो मुझसे बड़ा ही प्रेम करता हो, तो ही मेरा ये पेट दर्द ठीक होने वाला है। अब सारी पटरानियाँ तो सोच में पड़ गई, आपस में बातें कर रही है कि भगवान की भक्त तो हम भी है, हम भी भगवान से बड़ा प्रेम करती है, किंतु पति को चरण रज देना और वो भी भगवान है तो हमें तो नर्क की यातना भुगतनी पड़ेगी, नहीं नहीं ये तो संभव नहीं है। इतनी देर में वहाँ देव ऋषि नारद पधारे। जहाँ जहाँ भगवान अपनी कोई भी लीलाएं रचते हैं तो नारद जी वहाँ सबसे पहले पहुँच जाते हैं। अब भगवान नारद जी से ये कहते हैं कि मुझे मेरे पेट दर्द के इलाज के लिए मेरे भक्तों के चरणों की धूल की आवश्यकता है। अब नारद जी भी सोच में पड़ गए, सोचते हैं कि यदि रुक्मिणी देवी अपने चरणों की धूल नहीं देती तो मैं तो कैसे दे सकता हूँ, ये तो संभव नहीं है। भगवान कहते हैं, नारद जी जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो वृंदावन जाइए और मेरे भक्तों की चरण रज लेकर आइए। अब नारद जी तो यहाँ द्वारका में अदृश्य होकर सीधा वृंदावन धाम में प्रकट हुए। कई गोपियों की नज़र नारद जी पर पड़ी तो पूछा, नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं, हमारे प्राणनाथ तो ठीक है ना। नारद जी कहते हैं कि नहीं, द्वारिकाधीश के पेट में बड़ा ही दर्द है, वो कहते हैं कि मुझे मेरे इलाज के लिए मेरे भक्तों के चरण रज चाहिए और वो भी ऐसा भक्त हो जो मुझसे बड़ा प्रेम करता हो। गोपियों ने तो तुरंत ही अपनी चरण रज निकाल कर एक पोटली में बांध कर नारद जी को दे दी। नारद जी कहते हैं कि अरे तुम सभी अपने भगवान को चरण रज दोगी तो तुम लोगों को नर्क की यातना भुगतनी पड़ेगी। गोपियाँ कहती हैं कि यदि हमारे प्राणनाथ, हमारे भगवान बस सुखी रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे तो हमें अनंत काल तक नर्क मंजूर है और हम लोग कभी इसकी शिकायत भी नहीं करेंगे। आप बस जाइए और ये चरण रज हमारे श्याम सुंदर को बस दे दीजिए। अब नारद जी तो माथे पर पोटली रखते हुए द्वारिका में फिर प्रकट हुए। भगवान पूछते हैं, नारद जी आ गए आप, किसने दिया आपको चरण रज। नारद जी कहते हैं कि ये तो गोपियों के अलावा कोई और दे ही नहीं सकता।
क्योंकि उन्हें ना तो नर्क का कोई भय है, ना ही स्वर्ग की उन्हें कोई कामना है। उनका उद्देश्य तो केवल वही है कि हमारे प्राणनाथ, हमारे श्याम सुंदर भगवान बस सुखी रहे और प्रसन्न रहे, वे और कुछ भी नहीं चाहती। तब सारी पटरानियाँ और नारद जी स्वयं ये समझ गए कि भगवान वृंदावन का नाम आते ही इतना भावुक क्यों हो जाते हैं। उनके चेहरे पर सदैव मुस्कान और आँखों में भक्तवत्सलता का भाव रहता है। एक बार रुक्मिणी देवी ने बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजन थाली में परोसे और द्वारिकाधीश बस भोजन के लिए बैठ ही गए, किंतु वे उठे, दौड़कर द्वार तक पहुँचे, फिर कुछ सोचा और आकर फिर बैठ गए भोजन करने के लिए। रुक्मिणी देवी ने पूछा कि क्या हुआ। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को किसी ने पत्थर से मारा, तो मैं उसकी रक्षा करने जा रहा था। रुक्मिणी देवी ने पूछा, तो फिर आप लौट क्यों आए। भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरे भक्त ने भी पत्थर उठाकर मार दिया, उसे शायद मेरी ज़रूरत नहीं है। भगवान स्वयं रक्षा उन्हीं लोगों की करने के लिए जाते हैं जो पूर्ण रूप से उनके शरणांगत हो, उनके भक्त हो, उनसे प्रेम करते हो। जब तक कोई मनुष्य ये सोचता है कि मैं हर किसी चीज़ का कर्ता धरता हूँ और ये सब कुछ मेरी वजह से है, तब तक भगवान उनके जीवन में दखल नहीं देते। उसके जीवन में आने वाले सारे सुख दुख उतार चढ़ाव उसके पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से चलते रहते हैं। किंतु जिस दिन जो भक्त भगवान का शरणागत होता है, उनकी भक्ति करता है, प्रेम पूर्वक सेवा पूजा करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें प्रेम पूर्वक उन पर निर्भर रहता है, तब भगवान उसके जीवन में दखल देते हैं। और तब जब भगवान अपने भक्त के लिए उठते हैं, तो उसके जीवन की काया ही पलट देते हैं और वो सारी चीज़ें उन्हें प्रदान करते हैं जो शायद उसके नसीब में भी नहीं थी। किंतु भगवान को जो चाहिए वो है कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण। और ऐसे आत्मसमर्पण का उदाहरण है द्रौपदी। जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तो सबसे पहले द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से साड़ी को पकड़कर रखा और भगवान को बस पुकारती रही। उसके बाद उसने एक हाथ ऊपर उठाया, भगवान को पुकारा, किंतु फिर भी उसने दूसरे हाथ से अपनी साड़ी को पकड़कर रखा। किंतु जब उसे ये लगने लगा कि परिस्थिति उसके हाथों से छूट रही है, तब उसने दोनों हाथों को उठाकर भगवान को पुकारा कि हे गिरधर, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा कर। तब भगवान ने आकर उसकी रक्षा की। जब तक द्रौपदी को ये लगता था कि मैं स्वयं की रक्षा कर लूँगी, ये तो मैं सिर्फ भगवान को बुला कर रखती हूँ, तब भगवान नहीं आए। जब द्रौपदी ने ये जताया कि हे भगवान, अब मैं पूर्ण रूप से आपके शरण में हूँ, आप ही मेरी रक्षा करें और आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है, तब भगवान आए और उन्होंने रक्षा की। द्रौपदी के 5 पति थे और वो भी एक से एक महारथी थे, किंतु उसके जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में केवल भगवान ने आकर ही उसकी सहायता की। और महाभारत का ये प्रसंग हमें एक बहुत ही बड़ी सीख दे जाता है कि हमारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत हो, बैंक बैलेंस हो, 3 से 4 BHK का फ्लैट हो, सिक्योरिटीज़ हो, रिश्तेदार हो, किंतु मुश्किल घड़ी में हम केवल भगवान के ही शरणांगत होते हैं। फिर मुश्किल घड़ी में ही क्यों हम भगवान की भक्ति को, हरि नाम जाप को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा क्यों नहीं बना सकते। आज के इस कलयुग में जहाँ हर कदम पर खतरा है, दहशत है, महामारी है, लड़ाई है, झगड़े हैं, गलत फहमियाँ हैं, ऐसे में केवल हरि नाम जाप ही हमारा उद्धार कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।